आप नेपाल आ गए और वापस भी जा रहे हैं, काम ख़त्म करके वापस जा रहे हैं। देर हुआ लेकिन आपको नेपाल में स्वागत है, फिर भी हैप्पी जर्नी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं एक्चुअली बड़ी हैरानी की बात है कि आज से पहले मुझे मौका नहीं मिला नेपाल आने का। ये मेरा पहला ट्रिप है और ये हमेशा याद रहेगा कि मैं यहाँ क्यों आया। मैं इस पिक्चर कमिटमेंट के लिए आया जो निखिल डायरेक्ट कर रहे हैं और मिस्टर आकाश पांडे प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड दोनों चीज़ें हो गई, नेपाल भी देख लिया और पिक्चर भी काम भी कर लिया पहली बार। अब लोगों को अच्छा लगेगा काम तो मुझे पक्का यकीन है कि प्रोड्यूसर दोबारा बुलाएंगे मुझे, अगर हम पब्लिक को पसंद आया तो। पब्लिक को तो वैसे हिंदी फिल्म की वजह से मैं बाहर जाता हूँ जाता हूँ तो लोगों का बहुत प्यार मिलता है और वो पहचानते हैं। अभी भी मैं उतना काम तो नहीं करता हूँ लेकिन अभी इस उम्र में जो अच्छा लगता है वो करता हूँ। एंड इस ट्रिप में आई मस्ट थैंक आकाश, जिसकी वजह से नेपाल आना हुआ। उसी बहाने आज मैं सुबह 5 बजे उठ के पशुपतिनाथ मंदिर में जाके दर्शन करके आया, तो बड़ा मज़ा आया, अच्छा आया। एंड उन्होंने मुझे अच्छी तरह, उमेश बाबू हैं हमारे प्रोडक्शन में, उन्होंने अच्छी तरह आपको दर्शन करवाए और लोगों से मिलवाया ऑल दैट। तो पुराने सब पाप धो दिए नेपाल में आके, अब मुंबई में जाके फिर से शुरू कर देंगे। पाप बहुत किए हैं आपने। हाँ देखिए 400-500 पिक्चर की हैं तो उसमें तो 700-800 मर्डर तो हो ही गए। अच्छा पिक्चर में असल में होता, मैं अंदर जाएगा ना। और क्या हुआ, सब पिक्चरों में क्या होता था, रंजीत आने से पहले हीरोइन क्या कहती थी, कुत्ते कमीने रुक जाओ, खबरदार मुझे छुआ तो। अभी कुछ किया नहीं, छुआ नहीं, पहले कुत्ता कमीना बोलना शुरू किया। और फिर उसके बाद में क्या, मुझे फैशन ने मरवा दिया। यू नो लोग पूछते हैं कि यार आजकल काम क्यों नहीं करते ज्यादा, तो मैं बोला यार एक्टिंग तो आती नहीं थी क्योंकि किसी इंस्टीट्यूट में गए नहीं, हम सीखा नहीं। तकदीर में लिखा था एक्टर बनने का, तो एक्टर बन गए। रोल मिलना, पहले भाई का रोल शुरू किया, सावन भादो मेरी पहली पिक्चर थी, रेशो शेरा दूसरी पिक्चर थी, दोनों में पहली में रेखा का भाई बना, दूसरी में वहीदा रहमान जी का भाई बना। तो उसके बाद इन लोगों ने रेप कराने शुरू कर दिए मेरे से, तो रेप स्पेशलिस्ट बन गया। पर आजकल फैशन ने मरवा दिया मेरे को, है अनुज बाबू, है इनका गड़ब देखो कितना अच्छा लग रहा है। आपसे सीखे गेटअप में। और आपको कैसा रहा? फिर फैशन ने मरवा दिया मेरे को, यू नो फैशन चेंज हो गया। पहले हमारी हीरोइन साड़ियां पहनती थी, दुपट्टे लेती थी, तो उसमें क्या होता था, कभी साड़ी का पल्लू पकड़ा, कभी ये पकड़ा, फिर जाके हीरो आता था, फिर लड़ाई होती थी। आजकल हीरोइन कपड़े नहीं पहनती, मैं क्या फाड़ेगा, क्या खींचेगा, क्या पकड़ेंगे, एक्टिंग तो आती नहीं, पकड़ने के लिए कुछ है नहीं। तो मजाक हो गया। लेकिन जो भी काम किया मैंने दिल से किया, चाहे छोटा रोल हो या बड़ा रोल हो। और इंडिया की सब लैंग्वेज में काम किया मैंने, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, गुजरी, सो मेनी, हरियाणवी, राजस्थानी, ये सब पिक्चरों में काम किया मैंने, तो बड़ा अच्छा लगा। ऑलमोस्ट 50 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में और खुद अभी 75 का हो गया हूँ। तो पूरा जो कुछ भी भोलेनाथ ने दिया है, भगवान ने दिया है, आई थिंक हमारी जितनी औकात है उससे ज़्यादा दिया है। लोगों का प्यार मिला और काम मिला, और विदाउट एनी गॉडफादर, किसी का ये नहीं, बस ऊपर वाला ही गॉडफादर था। तो काम करते रहे, अभी भी आता है काम, लेकिन दिल को अच्छा लगता है तो करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ। दिल से करना चाहिए काम, चाहे वो एक दिन का काम हो या 4 दिन का काम हो या पूरी पिक्चर हो, चाहे एक सीन हो। अब जैसे इस पिक्चर में काम किया तो मुझे निखिल के साथ काम करके बड़ा मजा, एक तो खुद एक्टर है ठीक है, और पहली बार मिला मैं, और बड़ा ही प्यारा आदमी है, इंसान है, और कोई ऐसे कोई टेंटरम नहीं है। मैंने सुना यहाँ का बहुत बड़ा स्टार है, तो नहीं तो होते ना वहाँ, तो एक पिक्चर में काम करते हैं तो इतने कॉलर खड़ा करके चले हीरो बन जाते हैं। अब वो
इतना बड़ा एक्टर है लेकिन इतना हम्बल इतना अच्छा लड़का है, मुझे उसको मिलके बड़ी खुशी तो हुई, बड़ी खुशी हुई। और उसके साथ काम किया, उसने जितना भी मुझसे काम लिया है ये अच्छा हुआ, तो उसको क्रेडिट जाएगा और अच्छा मेरा नहीं हुआ तो मुझे डिस्क्रेडिट जाएगा कि यार क्या करो अजीत को लिया एंड ऑल दैट। एनीवे ही इज हैप्पी, माय प्रोड्यूसर इज हैप्पी एंड माय अदर एक्टर्स माय फ्रेंड्स। नेपाल में आया तो बहुत अच्छा लगा, लोग जो हैं यहाँ पर चाहे अमीर हो या गरीब हो कोई स्टेटस वाली बात नहीं, सब इतने नो प्यार से स्माइल देते हैं। यानी कि मैं एक्टर हूँ, मैं चुपके से उनको आपस में भी जब लोग बात करते हैं तो लगता है कि संतुष्ट लोग हैं लोग, कोई ज़्यादा ये नहीं कि मेरे पास ये होना चाहिए या मेरे पास ये, अपना मस्ती में रहते हैं थोड़ा ज़्यादा नेपाली लोग। आपको कैसा लगा नेपाल, कैसा लगा ये रहने में, हवा पानी? नहीं अभी नेपाल हवा पानी तो देखिए पॉपुलेशन के हिसाब से है, पर मुझे बड़ा एक सरप्राइज हुआ कि इधर नेपाल में इतनी दूर हिमालय की कदमों में है, हम लोग हिमालय के अंदर हैं फिर भी देखता हूँ कि लोग मास्क लगा के घूमते हैं, मतलब इधर पॉल्यूशन होगा तो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा हो जाएगा, तो और हिंदी प्रोड्यूसर भी इधर आएंगे काम करने के लिए, उससे क्या होगा कि टूरिज्म और बढ़ेगा। तो फिल्में और टूरिज्म ये एक किस्म का ये भाई बहन की तरह होते हैं, हम कोई सीन अच्छा देखते हैं पर्दे पे, अरे ये शूटिंग कहाँ की है, अरे नेपाल की है, अरे वाह वहाँ जाना चाहिए यार, अच्छा ये छुट्टियों में जाएंगे, तो क्या टूरिज्म भी बढ़ता है, बढ़ता है। इसके लिए सरकार को कुछ मदद करनी चाहिए, नेपाली क्या जो कुछ भी प्रोडक्शन लोग हैं, चाहे सब्सिडी होती है या कुछ भी होती है, जो कुछ भी कर सकती है सरकार। और फिर सरकार की जो पॉलिसी होती है वो पॉलिसी के ऊपर तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमें सुना यहाँ पर कि सेंसर पिक्चर ख़त्म हो जाती है, उस वक्त क्या होता है कि प्रोड्यूसर का काफ़ी पैसा लग चुका होता है, सब एक्टरों की मेहनत लग चुकी होती है और सब लोग चाहते हैं कि जल्दी से देखें। इट्स लाइक ए बेबी, पिक्चर एक बेबी की तरह होती है, अब 9 महीने में उसकी डिलीवरी हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए। जो प्रीमेच्योर भी अच्छा नहीं होता है, बाद में भी अच्छा नहीं होता है सुनने में जो आया, तो इसी तरह पिक्चर भी एक बेबी होती है। अब मान लो ख़त्म हो गई, अब उसको बंद करके जब तक सेंसर का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक तो लग नहीं सकती है, पब्लिक इंतज़ार कितना करेगी। तो मैंने सुना है कि यहाँ पर सेंसर सर्टिफिकेट मिलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, वो क्यों लगता है मुझे मालूम नहीं, और सरकार की जो पॉलिसी है वो ज़्यादा जानते हैं कि वो भी पर्पसली तो नहीं चाहेंगे कि एक प्रोड्यूसर का बिजनेस है ख़राब हो, खाम खा में वेट हो, पिक्चर बन चुकी है अभी लगनी चाहिए, अभी पब्लिक के पास जानी चाहिए, तो अगर वो जल्दी करते अच्छा होता है, नहीं तो जो पॉलिसी है उस हिसाब से उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं, सही बात है। और पशुपतिनाथ भी गए आज, क्या मांगे? मांगने में हम तो बोला भोलेनाथ सब दुनिया में सबका भला करो, पर्सनली अपना कुछ नहीं मांगते हम जी, सर्वत का भला, जब सबका भला होगा तो हमारा अच्छा भला होगा, खुद का भी भला होगा, सब दुखी होंगे और हम खुश होकर क्या कर लेंगे, हमारे सामने वाला भी खुश होगा तो खुशी का माहौल होगा ना, माहौल होगा। मैं सुखी हूँ, आप दुखी हैं, तो हम मैं आपसे कुछ सुख की बात करेगा, बोले जरा क्या ड्रामा करता है यार, चला हमारे कदमों में आ तो पता लगे, तो हम बोले ना तो यही बोला सर्वत का भला कर, पंजाबी में बोलते हैं सबका भला कर, सबका भला कर, ऐसा बोला है, सुख शांति प्यार दो दुनिया को और क्या। और शूटिंग के अलावा आप टूर के लिए कभी नहीं आए थे नेपाल में? नहीं, मैं बोला ना नेपाल की धरती भी पहली बार आया हूँ, पहली बार। हाँ, मुझे बहुत ऑफर्स आई थी पहले मैं एक्चुअली फिल्मों में बहुत बिजी था, फिर इधर कोई कसिनो खुले थे उन दिनों की बात है, तभी वो मुझे कुछ फ्रेंड्स पार्टनर थे कसिनो में दिल्ली के, वो मुझे चाहते थे कि मैं भी आऊँ, और उन दिनों में वो कसिनो वालों को शौक भी था पब्लिसिटी के लिए, पब्लिसिटी, यहाँ एक्टर भी आते हैं, वो नेपाल के लिए नहीं मतलब कसिनो के लिए, कसिनो के लिए उनको फ्री कमरा देने का, फ्री और फैसिलिटी देने का, तो एक था सिस्टम मेरे को मालूम है, लेकिन आना नहीं हुआ क्योंकि कसिनो वसिनो का इतना शौक नहीं था, आता तो ऐसे घूमने के लिए मेरे को अच्छा लगता है, और वैसे भी मुझे पहाड़ अच्छे लगते हैं, नो समुद्र जरा कब जो इतना वो नहीं है, मुझे नदियाँ और पहाड़ अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। अच्छा, बॉलीवुड का जो वर्ल्ड वाइड मार्केट जो है, नेपाली पिक्चर को भी वैसी तरह से जाने के लिए आपका क्या वो सलाह होगा? देखो फिल्म होती है, चाहे वो नेपाली हो, बंगाली हो,
उड़िया हो, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो आपको समझ में नहीं आती है, लेकिन जब एक्टर काम कर रहा होता है तो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। उसमें भी एक्शन बोलना पड़ता है, कट बोलना पड़ता है, चाहे वो उसमें बड़े एक्टर की पिक्चर हो या छोटे एक्टर की पिक्चर हो, पिक्चर पिक्चर होती पिक्चर है। और उसमें अच्छी बुरी नहीं, बड़ी और छोटी नहीं, अच्छी बुरी होती है। अब रहा नेपाल का, अभी जैसे मैंने आपको छोटा सा बताया ना कि नेपाल का, अब यहाँ पर भी नेपाल में और कोई एंटरटेनमेंट तो है नहीं ना, फिल्म है, फिल्म सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट है। तो इसलिए अगर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो नेपाली पिक्चरें भी बनेंगी, फिर बाहर के हिंदी के एक्टर भी आएंगे, हो सकता है फिर हॉलीवुड के एक्टर भी आए, तो इसमें क्या का बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, इसमें तो अच्छा होगा। बाकी सरकार की मदद बहुत चाहिए, कुछ स्टूडियो वगैरह होना चाहिए, जो अच्छी जगह, थोड़ी सड़कें अच्छी हो जाए, थोड़ा ट्रैफिक वगैरह, तो और मतलब इट विल बी गुड, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक तंग नहीं करता है। मैंने जो देखा, हम शूटिंग किए को, नहीं तो पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए हमको पुलिस मांगता है, ये मांगता है, वो मांगता है, तो वो टेंशन नहीं है। इंडिया में वो बहुत होता है वैसा टेंशन, इंडिया में हाँ। और इंडिया में तो आपको बहुत परमिशन लेना पड़ता है, सड़क पे कैमरा रखो तो भी परमिशन लेके पुलिस को पैसा खिला के ये करते हो करे वो, इधर ऐसा नहीं है नेपाल। हम जो मैंने शूटिंग किया मुझे मालूम नहीं, बाकी आप लोग को मालूम है। आप बॉलीवुड वापस जा रहे हैं, उधर के बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को नेपाल के बारे में क्या बताएंगे? यही जो आपको बता रहा हूँ यही बताऊंगा, शूटिंग करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये शूटिंग करने के लिए जगह अच्छी है, सीन अच्छे है, पहाड़ है, ये है, वो है, पब्लिक है, सब कुछ है, नदियाँ हैं, झरने हैं, समझे नहीं, मंदिर है, जंगल है, तो पिक्चरों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोग जाते हैं, जाते हैं। और फैसिलिटी के लिए उनको जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मान लीजिए क्राउड चाहिए या गाड़ियाँ भगानी है, चेस करना है, फलाना करना है, या अच्छी अच्छी बिल्डिंग, या चाहे पुराने ज़माने की बिल्डिंग हो, या कुछ भी जैसा चाहिए स्टोरी के हिसाब से, तो लोग आएंगे ना, आएंगे। अच्छा लास्ट में आप बता दीजिए, नेपाल के पब्लिक के लिए, नेपाली फिल्म इंडस्ट्री के लिए आपकी तरफ से क्या बोलना चाहते हैं आप? मेरी तरफ से तो मैं यही बोलूँगा, सुबह इवन हम भोलेनाथ के यहाँ गए थे, पशुपतिनाथ माथा टेका था, और हमारे एक उमेश बाबू हैं, हमारे निखिल के भाई हैं मेरे ख्याल, तो वो क्या नाम लेते हैं, वो मेरे को सब उन्होंने बड़े प्यार से सब दर्शन करवाए। सुबह 5 बजे गए हम यहाँ से, और उनसे यही कहा कि पिक्चर बनाई है, बड़ी मेहनत से बना रहे हैं, और लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है और भोलेनाथ का आशीर्वाद ले लिया है कि इस पिक्चर को कामयाब करो, और ये पिक्चर जो है मेरे लिए सिर्फ नेपाली फिल्म नहीं है, मेरे लिए जैसी दूसरी बड़ी बड़ी फिल्में होती हैं बिल्कुल वैसी है, ये भी बहुत बड़ी पिक्चर है, इसमें आपका हीरो बहुत बड़ा है, यू नो, और ये पहली पिक्चर है जिसमें मेरी हीरोइन के साथ में ज़्यादा कोई सीन वीन नहीं हुआ, इसलिए मैं वैसा करेक्टर नहीं हूँ इस पिक्चर में, लोगों को नया रंजीत मिलेगा, ये नई बात है, देखो लड़की को हाथ तक नहीं लगाया। इस पिक्चर में आपने हाथ लड़की के ऊपर रेप कुछ नहीं किया? नहीं, रेप भी नहीं किया, रूप भी नहीं किया है ना। और इसमें हमने बोला है बड़ा एक सीन है बड़ा अच्छा, मैं नेता बनना चाहता हूँ, तो आप जैसे जर्नलिस्ट पूछता है उससे सीन में कि तुम नेता कैसे बनेंगे, आपका बैकग्राउंड तो बड़ा माफिया का है, कहता है पिछवाड़े का बात मत करो, हाँ ये जितने जो कुछ भी मैं किया है, जो करता हूँ, जो मैं हूँ, मुझे मालूम है, ये समाज के लिए सुधारने के लिए बहुत बिल्कुल कामयाब चीज़ है, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस लफड़ेबाजी में क्या होता है, तो दूसरे नेता को तो मालूम नहीं ना क्या होता है लफड़ेबाजी, तो मुझे मालूम है और इसको कैसे ठीक करना है, मुझे आता है। मेरे जैसा नहीं तो ऐसा है कुछ। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू आपके लिए, यू मोस्ट वेलकम।